हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन RDBMS और NoSQL। इसके पहले के वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू NoSQL का पार्ट देखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, या ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन RDBMS एंड NoSQL। इस डिफरेंस को देखने के लिए हम एक एक फैक्टर के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस देखेंगे। तो पहला फैक्टर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस। अगर हम SQL की बात करें तो SQL में हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस टाइप का डेटा हम फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें नंबर ऑफ टेबल्स हम लेते हैं और ये सभी टेबल्स जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसलिए SQL जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करता है। NoSQL की अगर हम बात करें तो NoSQL में नॉन रिलेशनल और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम यूज की जाती है। यानी NoSQL में किसी भी प्रकार के टेबल्स या रिलेटेड डेटाबेस ऐसे प्रकार का कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। तो पहला डिफरेंस हमारा आता है कि SQL जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करता है और NoSQL जो है नॉन रिलेशनल और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को यूज करता है। अगला फैक्टर है स्कीमा ऑफ डेटाबेस। अगर हम SQL की बात करें तो SQL में हम फिक्स या स्टैटिक फॉर्मेट का स्कीमा हम फॉलो करते हैं। अगर हमने एक टेबल यहाँ पे डिफाइन किया, उस टेबल में हमने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसका एट्रीब्यूट्स का डेटा टाइप, साइज, ये हमने अगर डिफाइन कर लिया, उसके बाद में अगर हम उस टेबल पे हमें प्रोसेसिंग करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या अपडेट करना है, तो उस प्रोसेसिंग के लिए इस टेबल का फिक्स फॉर्मेट ही हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम NoSQL की बात करें तो NoSQL में डायनामिक स्कीमा होता है, यानी कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है। जैसे हमारा ऑपरेशन होगा, प्रोसेसिंग होगा, उसी प्रकार से हम हमारे डेटाबेस को स्कीमा चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड डिफरेंस यहाँ पे आता है कि SQL में डेटाबेस हैव फिक्स और स्टैटिक और प्रीडिफाइंड स्कीमा एंड NoSQL हैव डायनामिक स्कीमा। नेक्स्ट डिफरेंस जो देखेंगे हम वो देखेंगे डेटाबेस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर हम SQL की बात करें तो SQL में टेबल बेस्ड डेटाबेस हम यूज करते हैं। मतलब जो भी हम डेटाबेस यहाँ पे डिफाइन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, वो सब हम टेबल फॉर्मेट में यूज करेंगे। इसलिए जैसे हमने इसके पहले भी डिस्कस किया कि SQL जो है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम यूज करता है। रिलेशनल डेटाबेस मीन्स वहाँ पे सभी जो डेटाबेस का फॉर्मेट होता है वो टेबल फॉर्मेट में। NoSQL की अगर हम बात करें तो NoSQL में हम डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस यूज कर सकते हैं, या की वैल्यू स्टोर डेटाबेस यूज कर सकते हैं, ग्राफ स्टोर या वाइड कॉलम स्टोर भी यूज करते हैं। अब ये वन बाय वन इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखेंगे। डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस में एक डॉक्यूमेंट के लिए एक की हम डिफाइन करते हैं और वो की के अकॉर्डिंग हम डेटा स्टोर करते हैं। की वैल्यू स्टोर में जो भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उस सारे रिकॉर्ड्स को हम एक पर्टिकुलर कीज असाइन करते हैं और वो कीज के अकॉर्डिंग हम उसे स्टोरिंग या प्रोसेसिंग करते हैं। ग्राफ स्टोरेज में जो हमारा सोशल साइट का नेट डेटा होता है उसे हम ऑपरेट करने के लिए ग्राफ टाइप का डेटा यूज करते हैं। वाइड कॉलम जो स्टोर डेटाबेस है, अगर हमारा डेटा जो होगा वो बहुत लार्ज साइज का होगा, उस केस में हम इस टाइप का डेटाबेस यूज करते हैं। ये सारे डेटाबेस हम बाकी आने वाले वीडियो में और भी ब्रीफ में देखेंगे, आज हम खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। तो हमारा थर्ड जो डिफरेंस है डेटाबेस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, SQL जो है वो टेबल बेस्ड डेटाबेस यूज करता है और NoSQL जो है वो फोर टाइप्स के डेटाबेस यूज करता है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस, की वैल्यू स्टोर डेटाबेस, ग्राफ स्टोर एंड वाइड कॉलम स्टोर। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के अकॉर्डिंग। SQL की हम बात करेंगे तो SQL इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, लेकिन NoSQL जो है इज नॉट बेस्ट सुटेड फॉर कॉम्प्लेक्स क्यूरी। ऐसा क्यों होता है? SQL में जो हम डेटाबेस यूज करते हैं वो सारा डेटाबेस हमारा रिलेटेड होता है। टेबल के अंदर टेबल या टेबल से रिलेटेड अनादर टेबल, ऐसे हमारा एक फिक्स फॉर्मेट वहाँ पे होता है। इस फिक्स फॉर्मेट के कारण जो हम कॉम्प्लेक्स क्यूरीज SQL में फॉलो करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमें ईजी हो जाता है। लेकिन NoSQL में ऐसा नहीं है। NoSQL में हमारा सारा जो डेटाबेस है वो रिलेटेड या कोई फिक्स फॉर्मेट में नहीं है। तो अगर हम कोई नेस्टेड क्यूरीज या कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, नेस्टेड मीन्स क्यूरी के अंदर क्यूरी, इस प्रकार के जो क्यूरीज है या कॉम्प्लेक्स क्यूरीज है,
अगर वो हम नो एसक्यूएल में ऑपरेट करेंगे तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्सिटी हमें वहाँ पे फेस होगी। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है हायरार्किकल डेटा स्टोरेज के बेस पे। एसक्यूएल इज नॉट बेस्ट सूट फिटेड फॉर हायरार्किकल डेटा और नो एसक्यूएल जो है वो फिट एज कम्पेयर टू एसक्यूएल। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो एसक्यूएल में अगर हम डेटा सेव करेंगे जैसे टेबल के रिलेटेड अनादर टेबल, टेबल के रिलेटेड अनादर टेबल, ऐसे अगर हमने थाउजेंड्स ऑफ टेबल या टू थाउजेंड्स ऑफ टेबल हमने यहाँ पे अरेंज किया और वो डेटाबेस अगर हमें हैंडल करना होगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। नो एसक्यूएल में ऐसे नहीं है, हमारा कोई भी डेटाबेस का फिक्स फॉर्मेट नहीं है, हमें जिस टाइप का डेटा चाहिए, जैसे डेटा चाहिए वैसे हम डेटा यहाँ पे स्टोर करते हैं। कभी हम ग्राफ लेवल का लेते हैं, कभी हम डॉक्यूमेंट लेवल का लेते हैं, तो वो जो बिग डेटा या हायरार्किकल डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो नो एसक्यूएल में एज कंपैरेटिवली एसक्यूएल कम हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा स्केलेबिलिटी। अगर स्केलेबिलिटी की बात करेंगे तो एसक्यूएल जो है वो वर्टिकल स्केलेबल है और नो एसक्यूएल जो है वो हॉरिजेंटल स्केलेबल है। अब ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्या है हम शॉर्ट में देखेंगे। एसक्यूएल में अगर हमें डेटा प्रोसेसिंग करना है, हमारे डेटा की साइज जो है वो बहुत सारी है लेकिन हमारा जो हार्डवेयर सिस्टम है वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, इस केस में हम क्या करेंगे, तो हम हमारे सिस्टम में रैम इंक्रीज करेंगे या हमारा जो कोई स्टोरेज एरिया होगा वो हम इंक्रीज करेंगे। मतलब क्या करेंगे, तो हमारे एक मेन सिस्टम है उस सिस्टम के अंडर जो हार्डवेयर पार्ट्स है वो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, यानी वर्टिकल स्केलेबल। एक मेन हार्डवेयर और उसके अंडर जो हमारे छोटे छोटे सब हार्डवेयर आते हैं, रैम होगा, स्टोरेज डिवाइसेस होगा, तो उसे हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। लेकिन नो एसक्यूएल में ऐसे नहीं होता। नो एसक्यूएल में हॉरिजेंटल स्केलेबल मींस क्या होता है, अगर हमें डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस ये इनकम्प्लीट होगा और इनसफिशिएंट होगा, इस केस में उसी हार्डवेयर को अपडेट करने के बजाय, यानी उसी सर्वर को, फॉर एग्जांपल हम सर्वर लेंगे तो उसी सर्वर को अपडेट करने के बजाय हम और भी अलग से सर्वर, नया सर्वर उसमें अटैच कर सकते हैं। इसीलिए ये जो स्केलेबिलिटी है नो एसक्यूएल में वो हॉरिजेंटल स्केलेबल है। वर्टिकल नो एसक्यूएल जो है वो वर्टिकल स्केलेबल को सपोर्ट करता है, नो एसक्यूएल जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केलेबल को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा वो बेस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है। एसक्यूएल की अब हम बात करेंगे तो एसक्यूएल जो है वो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, नो एसक्यूएल जो है वो कैप थ्योरम को फॉलो करता है। अब ये एसिड और कैप थ्योरम हम शॉर्ट में देखेंगे। एसिड प्रॉपर्टी में चार फैक्टर यहाँ पे कंसिडर होते हैं, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, और कैप थ्योरम में कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। ये तीन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑपरेटिंग करते हैं या हमारा जो कोई भी प्रोसेसिंग होता है वो ये तीन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है ये हम ब्रीफ में ऑलरेडी हमने बेसिक डेटाबेस में, बेसिक डीबीएमएस के स्टडी में हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको ये यहाँ ये प्रॉपर्टी और भी ब्रीफ में अगर आपको जानना होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं इस प्रॉपर्टीज पे सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस जो है कि एसक्यूएल जो है वो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और नो एसक्यूएल जो है वो कैप प्रॉपर्टी को फॉलो। अब सारे डिफरेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब वन मोर टाइम हम ये एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का डिफरेंस जो है वो वन बाय वन रिवाइज कर डालेंगे। फर्स्ट डिफरेंस है एसक्यूएल में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज की जाती है और नो एसक्यूएल में नॉन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। सेकंड डिफरेंस है एसक्यूएल में हम फिक्स डेटाबेस स्कीमा यूज करते हैं, नो एसक्यूएल में हम डायनामिक स्कीमा यूज करते हैं। थर्ड है एसक्यूएल में हम टेबल बेस्ड डेटाबेस यूज करते हैं, नो एसक्यूएल में हम डॉक्यूमेंट बेस्ड, की वैल्यू स्टोर, ग्राफ स्टोर, वाइड कॉलम स्टोर बेस्ड डेटाबेस यूज करते हैं। SQL में हम जो डेटाबेस के कॉम्प्लेक्स क्यूरीज है वो इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नो SQL में हमें वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी फेस करना पड़ता है। SQL जो है वो वर्टिकल स्केलेबल है, नो SQL जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केलेबल है। SQL एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और नो SQL जो है वो कैप थ्योरम को फॉलो करता है। तो आगे भी हम ये सारा पार्ट जो है नो SQL MongoDB का वो ब्रीफ में आगे के वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर समझाइए। तो आगे के वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।